हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत ही उपयोगी स्ट्रक्चर, लाजवाब स्ट्रक्चर। यदि इस स्ट्रक्चर के आप अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो एकदम अंग्रेजी बोलने में आसान हो जाएगी। जिस तरह से देखिए, आज का जो स्ट्रक्चर है, ना था या पड़ा, ना था या पड़ा। जैसे मुझे खाना था, मुझे खाना पड़ा, कोई जबरन काम होता है, नहीं खाना था तैयो खाना पड़ा, मुझे पटना जाना पड़ा, मुझे पटना जाना था, आपको आम खाना था, उसे अंग्रेजी पढ़ना था, इस तरह का मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत ही देखिए सरल हो जाएगी यदि इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। तो इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ना था और पड़ा कितना भी सेंटेंस हो आप बना सकते हो आसानी से। जैसे देखिए, इस पर मैं कुछ सेंटेंसेज यहां पर लिख रखा हूं। पहला सेंटेंस है, आप पढ़ना था, या आपको किताब पढ़ना पड़ा, तब कैसे बनाएंगे? तो आपका अंग्रेजी आप लोग जानते ही होंगे कि आपको के लिए लिख देंगे यू के साथ जोड़ देंगे हेड, हेड के बाद लगा देंगे टू के बाद देखिए ऑब्जेक्ट खोज रहा है, वर्ब खोज रहा है, तो वर्ब इसमें खोजेंगे क्या है, तो पढ़ना वर्ब है। पढ़ना के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब कोई जानते हम लोग के रीड मिस होता है पढ़ना। हाँ सही बात, रीड मिस पढ़ना, और क्या पढ़ना है, तो किताब पढ़ना है, तो लिख देंगे ए बुक। इस तरह से यह सेंटेंस बन के तैयार। तो देखिए इस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस कितनी सरल से एकदम आसानी से बन गया। यदि यह स्ट्रक्चर आप भी अच्छा से पढ़ लोगे, ध्यान से देख लोगे, तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से मैं इसको भी बना लूंगा। मुझे क्या होता है अंग्रेजी में आई, आई के साथ लगा देंगे क्या, हेड लगता है तो हेड लगा देंगे, और उसके बाद टू लगाना स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद खाना, तो खाना के मीनिंग होता है ईट, अब क्या खाना है, तो आम खाना है, तो आम के यहाँ पर मीनिंग लिख देंगे ए मैंगो। इस तरह से ये भी सेंटेंस बन के तैयार। इस तरह से कई सेंटेंस आप लिख लिख करके अपने कॉपी पर बना बना करके बोलने की हैबिट, लिखने की हैबिट कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्पोकन अंग्रेजी जो स्पोकन इंग्लिश जो है आपका धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, एक दिन आप अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले बन जाएंगे। एक देखिए और सेंटेंस यहां पर है, राम को क्रिकेट खेलना था। इसको आप बोल सकते हैं कि राम को क्रिकेट खेलना पड़ा, दोनों का अंग्रेजी एक ही बनेगा। तो राम यहां पर लिख देंगे, और इसके बाद हेड लगाना है तो हेड लगा देंगे, इसमें सब में लगता है टू, तो टू का प्रयोग है, टू लगा देंगे, और खेलना के मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, खेलना का होता है प्ले, और क्या खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है, तो यहां लिख देंगे क्रिकेट, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार। आप इस प्रकार की कई सेंटेंसेज अपने कॉपी पर लिख लिख कर बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें और अपने कॉपी पर नोट कर लें, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कई सेंटेंसेज को लिख सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरह से आपका अंग्रेजी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, एक दिन बहुत अच्छा आप अंग्रेजी में वक्ता बन जाएंगे। और यह एक सेंटेंस आपको लिए दिया जा रहा है, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर करें। जय हिंद।